यही सोजी घाटी का घाट है जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये घाट है यहाँ पे, थोड़ा कैमरामैन थोड़ा इधर आइए, दिखा दीजिए घाट। बहुत ही अच्छा लगा मुझे घाट यहाँ पे, यानी कि कोई डर नहीं है अर्घ देने के लिए, और जो भी महिलाएं इसमें अर्घ देंगी कोई डर की बात नहीं है। और बहुत बढ़िया घाट बना है, जो भी अगर इस घाट को बनाया है वो उसे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि बहुत बढ़िया घाट लगा है। नमस्कार प्रणाम, आप लोग देख रहे हैं TSF न्यूज़ और मैं आज छठ घाट जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, एक और ऐसा घाट जो कि देखने के बाद बस हृदय खुश हो जाता है। मैं और जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, बाला बरही टोला जो सोजी घाटी का बात कर रहा हूँ, जो कि पंडाल देखिए बहुत ही बढ़िया सजा हुआ है और यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं। सुबह की टाइम है, अभी थोड़ा उतना भीड़ नहीं हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया था। यहाँ लोग से ज़रूर हम कहें कि छठ के वो गाना सुनावे के, कहे कि भोजपुरी में यहाँ लोग के बहुत ही बढ़िया गाना गावे नहीं लो जो हृदय खुश हो जाला। हासी हासी बोले ले ऐसा तरहन बाबू सुनिए छठिया माई। बहुत ही बढ़िया छठी माई का गाना है इन्होंने सुनाया और लोगों के पास मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, नाम पड़ेगा ममता कुमारी। अच्छा छठ पूजा गूगल बनी। हाँ तो छठी माई का गाना सुनाई बहुत बढ़िया ठीक बा। के कारा बड़े बड़े आँखियाँ के कर लामी लामी केस, के कर लामी लामी केस, के कारा पिया पारा देसिया के कर नैना डरे लोर, के कर नैना डरे लोर। अरे छठी माई के बड़े बड़े अखिया। इस सोजी घाटी का घाट है जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये घाट है यहाँ पे, थोड़ा कैमरामैन थोड़ा इधर आइए, दिखा दीजिए घाट। बहुत ही अच्छा लगा मुझे घाट यहाँ पे, यानी कि कोई डर नहीं है अर्घ देने के लिए, और जो भी महिलाएं इसमें अर्घ देंगी कोई डर की बात नहीं है। और बहुत बढ़िया घाट बना है, जो भी अगर इस घाट को बनाया है वो उसे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि बहुत बढ़िया घाट लगा है। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग आए जिनसे पूछना चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा भैया? कमलेश कुमार। मान कहाँ घर पड़ेगा? माना बाला बड़े टोला। अब कहाँ है आप? छठी माई के पास। अच्छा, तो और कुछ क्या कहना चाहेंगे छठी माई के बारे में? बहुत कुछ क्या मतलब? आशीर्वाद लेने आए आशीर्वाद लेने आए शादी हो गया है? नहीं नहीं, शादी के लिए आए हैं। नहीं यार, आशीर्वाद में क्या मांग रहे हैं आप? आए वाला छठी के बारे में। एक और हमारे साथ है, क्या नाम है सर? संदीप कुमार। संदीप कुमार कहाँ रहते हैं आप? बाला बरही टोला। अच्छा, घर बाला बरही टोला है। क्या करते हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे चलाते हैं दुकान चलाते हैं। कहाँ पे आए हैं आप? हरदिया। मतलब कहाँ पे आए हैं? छठ घाट। छठ घाट पे आए हैं। अच्छा, तब क्या कुछ मन्नत है चाहे कुछ भी? ऐसे ही ऐसे ही आए हैं। ऐसे ही आए हैं। हो गया है? हो गया है। आई हुए अभी? आ रही है। आ रही है अभी, अभी सोए हैं। कैसे आप छठ घाट पे, तो मतलब आना चाहिए जल्दी से। आ रही है दो मिनट में। और सब बताइए छठ घाट, अब छठ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? छठ के बारे में बहुत अच्छा है, हमारे पूरा गांव के लोग मिलकर यहाँ सब सजाए वजाए हैं। अच्छा, सब लोग का सहयोग रहता है? सब लोग का सहयोग पूरा। मतलब ये, मतलब ये बरही टोला का लोग आते हैं कि और कहीं का आते हैं? नहीं, पूरा बाला बरही टोला जैसे उधर आगे भी है, पूरा हमारे पूरा गाँव के लोग मिलकर करते हैं। धन्यवाद सर। और लोग भी हैं यहाँ पे, क्या नाम है सर? अभिषेक शर्मा। कहाँ पे है? छठ घाट में आए हैं। छठ घाट में के लिए। अच्छा, कुछ मांगने के लिए? छठी माई का मांगने के लिए? छठी माई से कुछ भी नहीं? देखिए, मांगने से तो मिलता नहीं है, बस मतलब पूजा मांगने। छठी माई से मांगने से नहीं मिलता है। बहुत लोग तो मन्नत का ही
आते हैं और मांगते हैं तो अभी मिलता है। बहुत लोग यानी मन्नत मांगते हैं, कुछ मांगते हैं तो ये छठ व्रत करते हैं, चाहे लड़के लड़का जिसको होता है वो छठ व्रत करते हैं। ये छठ पूजा ही ऐसा है कि जो भी मतलब मांगे जो कि पूरा 100% पूरा होता है। नहीं, मेरा ओपिनियन अलग है। मेरा ओपिनियन है कि भगवान जो होते हैं शांति का प्रतीक होते हैं। सर हाँ, बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर। हाँ, कहाँ घर है? बाला। बाला कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली में रहते क्या करते हैं? जी, जी, जब करता हूँ सर्विस में। अभी ये छठ पूजा में आए हैं? हाँ जी, छठ पूजा के पहले ही आ गए थे। पहले ही आ गए हैं, दो तीन दिन पहले आए हैं हम। अच्छा, दो दिन पहले आए थे छठ पूजा में। हर छठ पूजा में आते हैं? हाँ जी, हम रेगुलर आते हैं शुरू से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप छठ पूजा? बहुत अच्छा है, हम लोग का यहाँ जड़ से जुड़ाव है और हमारी संस्कृति है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग हर बार आते हैं क्योंकि इसी टाइम में हमें आने का मौका मिलता है, बाकी टाइम तो मौका नहीं मिलता, तो एक साथ सब कोई जुटता है यहाँ पर, तो हम सबको आते हैं यहाँ पर, एक बार सब किसी से मुलाकात होती है और हमारी संस्कृति की बढ़ावा मिलती है। ये अच्छा लगता है एक साथ सभी का, ये हमारे आस्था का प्रतीक, हमारे बिहारियों का सब किसी का आस्था का प्रतीक, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। छुट्टी मिल जाती है वहाँ से छठ? हाँ जी, हाँ जी, छठ पूजा की छुट्टी मिल रहा है छुट्टी में बड़ा। हाँ, इसके लिए अब तो आजकल तो ऑल इंडिया हो गया है, सब जगह से ऑल इंडिया का पूरा दुनिया में आजकल छठ मनाया जा रहा है, तो फिर छुट्टी मिलना स्वाभाविक। और भी यहाँ पे लोग हैं क्या? क्या नाम है सर? सत्येंद्र कुमार तिवारी। कहाँ पे घर है? बाला बढ़ई टोला। बाला बढ़ई टोला कहाँ आए हैं? अभी छठ घाट पे आए हैं हम पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए आए? क्या पूजा करने के लिए आए हैं? तो कुछ छठी माई से मांगेंगे? एकदम मांगेंगे। छठी क्या मांगेंगे आप? मांगेंगे कि मतलब हमारा जो भी गांव मोहल्ला है वो एकदम खुशहाल रहे और उसके साथ साथ हम भी खुशहाल रहें। नेता तो नहीं है आप ऐसे? नहीं, 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 नेता नहीं है, नेता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम यही मांगेंगे सब कोई खुशहाल रहे और हम भी। नहीं, गांव के बेटा हैं आप? जी जी, नेता नहीं है इसलिए कह रहे हैं, इसीलिए। अच्छा, धन्यवाद। हमारे साथ थे यहाँ के सोजी घाटी के लोग और कैमरामैन सत्येंद्र कुमार के साथ टिंकू कुमार, बाला बरेई टोला। चाय का सेवा यहाँ पे देते हुए, जो कि सभी लोग को यहाँ पे फ्री में चाय दिया जाता है।